दोस्तों यह जियोनी की तरफ से आने वाला जियोनी मैक्स, इसका प्राइस सिर्फ 6000 रुपए है। तो अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, कैमरा क्वालिटी कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और बाकी सारा डिटेल्स इसी फोन के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप पहले बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जिंदगी हो कि मैक्स इस तरह से लिखा हुआ है, हाथ फैला के दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप पीछे के साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 7999 प्राइस लिखा हुआ है, 8000 रुपए, लेकिन इसका प्राइस सिर्फ 6000 रुपए है। और सारा कुछ डिटेल्स लिखा गया है इसी फोन के बारे में, तो वो तो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। तो इसके बाद आप अगर बॉक्स को यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से और एक बॉक्स निकलता है। एंड इसके बाद अगर आप इस बॉक्स को खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका ऊपर में रखा हुआ फोन। सो फाइनली ये है हमारा जियोनी मैक्स। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं फोन कुछ इस तरह का दिखने में है। फोन हाथ में लेने के बाद सबसे पहला जो चीज करना चाहिए वो है इसके प्रोटेक्टर को, ये पहला काम होना चाहिए। हालांकि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाता है और बाकी सारा डिटेल्स इस फोन के बारे में, सेल्फी कैमरा, 5000 mAh का बैटरी, सो ये सब चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसको हमें जरूरत नहीं है, इसको हम फेंक देते हैं। एंड दोस्तों, इस फोन को जब मैंने पहली बार हाथ में लिया तो मुझे बहुत ही हल्का लग रहा था कि कुछ मिसिंग है फोन के अंदर। एंड बाद में मैंने नोटिस किया कि अलग से 5000 mAh का बैटरी दिया गया। तो यहाँ पे आपको एक रिमूवेबल बैटरी मिल जाता है, बहुत दिनों बाद कोई फोन में ऐसा मतलब रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलता है। सो इस फोन के बैक साइड को आप खोल सकते हैं, इसके अंदर आपको SIM 1 SIM 2 का स्लॉट मिलता है, microSD कार्ड का स्लॉट भी अलग से दिया गया। चीज मैंने नोटिस किया कि इस फोन के फीचर्स के बारे में काफी सारा चीज छुपाया गया है। जैसा कि यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिलता है, तो एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, लेकिन साथ में जो बोके लेंस है वो कितना मेगापिक्सल का है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। इसके अलावा इस फोन के प्रोसेसर के बारे में कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं किया गया कि क्या प्रोसेसर इसमें दिया गया, सिर्फ ऑक्टाकोर प्रोसेसर लिख के छोड़ दिया गया। सो ये डेफिनेटली एक गलत बात है, अच्छे से मेंशन होना चाहिए कि फोन के अंदर आपको क्या प्रोसेसर मिलता है या फिर क्या डिटेल्स है, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए कंपनी को। तो चलिए वन बाय वन सभी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं इसी जियोनी मैक्स के बारे में। अगर पहले बात करूं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको पावर लॉक एंड अनलॉक की मिल जाता है, ऊपर में आपको वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन भी दिया गया एंड नीचे के साइड में चार्जिंग स्लॉट और साथ में माइक दिया गया। राइट साइड में कुछ भी बटन आपको नहीं देखने को मिलता है। एंड ऊपर के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे प्यारा 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है। एंड पीछे के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जियोनी का लोगो मिल जाता है। इसके अलावा आपको नीचे के साइड में यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है और साथ में डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में सिंगल LED फ्लैश भी दिया गया। एंड अगर फ्रंट साइड के बारे में आपसे बात करो तो ऊपर में आपको स्पीकर देखने को मिला एंड उसी के ठीक नीचे आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। बेजल नीचे में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, ऊपर में भी हल्का बेजल है। अगर इस फोन के डिस्प्ले के बारे में आपसे बात करो तो यहाँ पे आपको 6.1 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया, टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। इसके अलावा धूप में भी मैंने यूज करके देखा तो वहां पर भी आपको क्लियरली दिखाई देता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। एक चीज मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस नहीं मिलता है, आपको मैनुअली ब्राइटनेस को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सो ये चीज आपको एक नोटिस करना है। एंड साथ में ये डिस्प्ले 2.5D कर्व डिस्प्ले है, तो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा चीज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। एंड अगर आप इस फोन के ऐप ड्रॉअर को देखेंगे तो काफी हद तक आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड जैसा फीलिंग होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बहुत जगह पे जियोनी का मतलब चढ़ा हुआ है। इस फोन में आपको 2GB रैम दिया गया और साथ में 32GB इंटरनल मेमोरी दिया गया, उसमें से करीब 24GB आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अलग से आप microSD कार्ड लगा के भी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक। एंड अगर इस फोन के बैटरी के बारे में आपसे बात करूं तो यहाँ पे 5000 mAh का एक बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है, तो काफी अच्छा चीज यहाँ पे आपको दिया गया बजट रेंज के अंदर। क्योंकि जो लोग बजट रेंज के मोबाइल यूज करते हैं तो उन लोगों का एक मेन प्रायोरिटी रहता है कि ज्यादा बड़ा बैटरी, तो वो चीज यहाँ पे दिया गया। एंड साथ में यहाँ पे रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो अगर आपके पास दूसरा कोई डिवाइस है आप उसको चार्ज कर सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि आपके पास कनेक्टर नहीं है। अगर बात करूं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, इवन बॉक्स के अंदर भी मेंशन नहीं किया गया कि इस फोन में आपको क्या प्रोसेसर देखने को मिलता है, सिर्फ ऑक्टाकोर लिख के छोड़ जाएगा। लेकिन जब मैंने इस फोन के अंदर Geekbench को रन करवा तब मुझे पता चला कि इस फोन के अंदर आपको ARM Uni SoC का एक प्रोसेसर दिया गया, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसका 4 कोर 1.2 GHz स्पीड में चलता है और बाकी 4 कोर
और 1.6 GHz में चलता है। सो यही कुछ डिटेल्स है, प्रोसेसर ठीक ठाक सही है और ये कोई नया कंपनी नहीं है। सैमसंग के काफी सारे पुराने J सीरीज का जो मोबाइल आता था उसमें इसी कंपनी के प्रोसेसर को यूज किया जाता था। इसके अलावा सैमसंग का एक टाइजन Z1 करके निकला था, उसी में भी इसी कंपनी के प्रोसेसर को यूज किया गया था और प्रोसेसर के हिसाब से मैंने अभी तक कोई लैग महसूस नहीं किया, ठीक ठाक सही चल रहा है। एंट्री लेवल डिवाइस है तो आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो डेली यूसेज के लिए आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। सेट थोड़ा सा बदल चुका है क्योंकि अभी हम लोग इस फोन से सेल्फी लेने वाले हैं और यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। बेटा सेल्फी ले ले रे। तो चलिए सेल्फी लेके देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा आता है। इमेज प्रोसेसिंग काफी फास्ट है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फोटो यहाँ पे खींच लिया गया है। सैंपल शॉट में आपको दिखाता हूँ इसी के फ्रंट कैमरे से खींचा हुआ। फ्रंट कैमरे में आपको फेस ब्यूटी का ऑप्शन है तो आपके फोटो को अच्छा दिखाने के लिए आप बहुत सारा चीजें कर सकते हैं। और अगर बात करूं इसके रियर कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी शूटर साथ में 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा दिया गया। सो कुछ सैंपल शॉट्स लेके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्वालिटीज आता है इसका। रियर कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में अगर आपसे बात करूं तो 1080p रेजोल्यूशन में आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन 24fps तक ये सपोर्ट करता है, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड साथ में इस फोन में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर कैमरे परफॉर्मेंस के बारे में आपसे बात करूं तो ठीक ठाक सही है, प्राइस के हिसाब से काफी। दोस्तों इस फोन में कोई भी फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को नहीं मिलता है लेकिन फेस अनलॉक का फैसिलिटीज दिया गया। चलिए फेस अनलॉक को हमने सेट कर लिया, अभी देखते हैं थोबड़े को पहचानता है कि नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये ओपन हो जा रहा है। सो अभी आप देख पा रहे हैं ये ओपन नहीं हो रहा है लेकिन जैसे ही मैंने घुमा ओपन हो गया। सो आप देख सकते हैं काफी एक्यूरेटली काम कर रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कितना बेटर आपको देखने को मिल जाता है। इसके लिए हम लोग यूट्यूब खोलेंगे और वहां पे सर्च करेंगे बी इनसाइड लिख के एंड उसके बाद हमें एक चैनल देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका लोगो है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड इसके बाद अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको नीचे में एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा। सो यहाँ पे आपको क्लिक जरूर करना होगा। आप सब्सक्राइब क्लिक कर देंगे तो उसके साइड में आपको एक नोटिफिकेशन भी बटन मिलेगा, उसको भी आप ऑल में सेट कर दीजिएगा तो सारे मतलब खुशहाली फैल जाएगा। तो जैसे ही हम लोग वीडियो पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाइए और सब्सक्राइब बटन मिलेगा, क्लिक जरूर करके जाइएगा। यहाँ पे अगर मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊं, ओ भाई ऐड आ गया। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ही दिन पहले मोनेटाइज हुआ है आपको पता है। सो ऐड आ गया, ऐड को स्किप कर दो, ठीक चलिए स्किप कर दो। तो दोस्तों इस फोन का साउंड क्वालिटी को मैं एवरेज कहूंगा, उतना हाई नहीं है लेकिन आपको एक सराउंडिंग से साउंड मिलता है। सो ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों ये फोन आपको 3 अलग अलग कलर ऑप्शन में मिल जाता है, ये है रॉयल ब्लू, इसके अलावा आपको एक रेड कलर का और ब्लैक कलर का, तो और भी ऑप्शन अवेलेबल है। और दोस्तों इस फोन का वेट है 185 ग्राम, तो 5000 mAh बैटरी के हिसाब से वेट ठीक है। तो दोस्तों अगर फाइनली बात करूं कि 6000 रुपया देके इस Xiaomi Max मोबाइल को आपको खरीदना चाहिए नहीं, एक जमाना था जब आपको 6000 साढ़े 6000 प्राइस में बहुत ही धमाकेदार मोबाइल देखने को मिलता था लेकिन GST इंक्रीज होने के बाद सिचुएशन बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है और जो एंट्री लेवल डिवाइस स्टार्ट होता है ज्यादातर कंपनी का वो करीब 7000 साढ़े 7000 से स्टार्ट होता है। सो उस सिचुएशन में 6000 रुपीस प्राइस के अंदर ये बहुत ही अच्छा फोन है और काफी ठीक ठाक साइज का परफॉर्मेंस है और स्क्रीन साइज भी काफी बड़ा है। सो उस हिसाब से डेफिनेटली आप इस फोन को खरीद सकते हैं अगर आप नॉर्मली यूजर है ज्यादातर फोन में बात करने के लिए या फिर हल्का फुल्का वीडियो कॉल करने के लिए। इसके अलावा अगर आप घर में किसी बुजुर्ग इंसान को गिफ्ट करना चाहते हैं, आपके मम्मी पापा को गिफ्ट करना चाहते हैं, प्राइस के हिसाब से काफी सही परफॉर्मेंस है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगा। सो आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको गोलू बटन मिल जाएगा, क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।